तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 में हमसे क्या पूछा गया है। ए शॉर्ट पुट प्लेयर थ्रूज अ शॉर्ट पुट ऑफ मास 3 किलोग्राम इफ इट क्रॉसेज द टॉप ऑफ वॉल ऑफ 2 मीटर हाई एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी गेन बाय द शॉर्ट पुट व्हेन इट क्रॉसेज द वॉल। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जहाँ पे शॉर्ट पुट का मास है वो हमें यहाँ पे गिवन है और वो यहाँ पे क्या करता है दीवार के पार फेंक देता है, जिसकी हाइट यहाँ पे कितनी थी 2 मीटर थी और कितनी स्पीड से फेंकता है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमें यहाँ पे इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है एम जी एच, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट होती है। तो हमें यहाँ पे मास पहले से गिवन है जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 2 मीटर है। उसके बाद हमें यहाँ पे हाइट गिवन है जो कि यहाँ पे कितनी है 2 मीटर है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है। और ग्रेविटी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से रखी है जो कि हमारे यहाँ पे कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं लिखी है पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन है जो कि कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है, हाफ मल्टीप्लाई मास हमारे यहाँ पे कितना होगा 3 किलोग्राम और जो वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4×4=16 हो जाएगा, प्लस मास हमारे यहाँ पे 3 किलोग्राम हो जाएगा, ग्रेविटी 9.8 हो जाएगी एंड हाइट हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या होगा 2×8=16 एंड 8×3=24 प्लस 3×2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6×9.8 इक्वल टू, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 24+6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8×6=48 का 8 4 कैरी चला गया, 9×6=54 और 4 यहाँ पे क्या होगा 58.8 आ जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8×4=12 का 2 1 कैरी गया, 5×2=7 एंड 8×82.8 और जो यूनिट होगी वो किस में आएगी हमारी जूल्स में आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आ गया। ये हमारे यहाँ पे क्या है टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो कि हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 82.8 जूल्स। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।